अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे यूपी स्टाइल एक पुरानी रेसिपी जो है रसफीस का हलवा, जो हमेशा मेरी नानी बनाया करती थी। तो ये मैं आज रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। ये मैंने 8 रसपीस लिए हैं, ये देखिए 8 पीस ले लिए हैं मैंने रसपीस के, ये देखिए। ये आपको बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। और ये मैंने चीनी ली है, आधा कप से थोड़ी सी कम है, आप अपनी पसंद से ले लीजिए जैसा आपको मीठा चाहिए। और ये मैंने 1/3 कप लिया है मिल्क पाउडर, आप चाहे तो डाल लीजिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और चाहे तो मत डालिए, आपकी पसंद। ये इसे डालने से और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और ये मैंने देसी घी लिया है क्योंकि हम अपने रसफीस को फ्राई करेंगे। और ये मैंने ली है 2 चुटकी इलायची पाउडर। ये मैंने फुल क्रीम दूध लिया है 700 ग्राम। तो सबसे पहले तो हम अपने रसफीस को फ्राई कर लेते हैं। मैंने गैस पे एक फ्राई पैन रख लिया है, ये देखिए। हम इसमें डाल देते हैं घी, ये देसी घी मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, ये वही है। हम इसको फैला लेते हैं ऐसे करके, और यहीं पे डाल देंगे हम अपने ये रसफीस, एक एक करके ऐसे करके डालेंगे, ये देखिए ऐसे डाल देंगे हम। इनको दोनों साइड से सेकेंगे अच्छे से, ये देखिए जितने हमारे फ्राई पैन में आ जाएंगे हम उतने ही डाल देंगे। ये देखिए हमारे फ्राई पैन में आ गए हैं। हम इनको दोनों साइड से अच्छे से सेकेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। तो हमारे रसफीस इस साइड हल्के से सिक गए हैं, ये देखिए। अब हम इनको दूसरी साइड पलट लेंगे ऐसे करके, ये देखिए हल्के हल्के से सिक गए हैं ये इस साइड, ये देखिए। इसी तरह हम सभी को इनको दूसरी साइड पलट लेंगे। और यहाँ पे भी हम थोड़ा थोड़ा सा घी डाल देंगे ताकि दूसरी साइड में भी अच्छे से घी लग जाए। तो यहाँ पे हम ऐसे करके घी डाल देंगे ऐसे करके, ताकि इनके नीचे चला जाए और अच्छे से इनमें घी लग जाए। और इनको भी हम इस साइड भी हम अच्छे से सेकेंगे, ये देखिए घी डाल दिया है मैंने। थोड़ा सा इनको हम ऐसे करके घुमा देते हैं ताकि इनके नीचे चला जाए घी। देखिए हमारे रसफीस दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं, ये देखिए इधर से भी और इधर से भी। अब हम इनको निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद हम इनको तोड़ लेंगे और दूध को रख लेते हैं हम उबलने के लिए। देखिए मैंने दूध रख लिया है गैस पे उबलने के लिए, और हमारा दूध हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर मिला लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, उबाल आने से पहले ही ऐसे करके हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, गुठली वगैरह ना रहे। ये देखिए डाल दिया है मैंने। अब हम इसको अच्छे से मिला के पकाएंगे, ये देखिए हमारे दूध में अच्छे से उबाल आ गया है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से। मैंने इसको 2 मिनट और पका लिया है मीडियम फ्लेम पर ही ऐसे ही उबाल आते हुए, ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब हम यहाँ पे चीनी डाल देते हैं, चीनी डाल दी है मैंने, जो मैंने आपको दिखाया था चीनी ये वही है। और यहीं पर डाल देंगे हम ये इलायची पाउडर, ये मैंने आपको दिखाया था ना, ये वही है, ये डाल दिया है मैंने। फिर से हम इसमें उबाल आ जाने देंगे। हमारे दूध में फिर से उबाल आ गया है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से उबाल आ गया है। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। और ये मैंने रसफीस को तोड़ के छोटे छोटे पीस बना लिए हैं, ये देखिए। अब हम इसमें डाल देते हैं ऐसे करके डाल देंगे, और हम इसको फिर से पकाएंगे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए डाल दिए हैं मैंने, मिला लेंगे इनको अच्छे से, और हम इसको पकाएंगे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और यहीं पे हम थोड़े से काजू बादाम डाल देते हैं, ये मैंने काजू बादाम लिए हैं थोड़े से बारीक कट कर लिए हैं मैंने इनको, ये देखिए डाल दिए हैं मैंने, थोड़े से बचा लिए हैं ऊपर से डालेंगे। तो हम इसको ऐसे पकाएंगे 2 मिनट। ये देखिए मैंने हलवा को 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लिया है, ये देखिए कितना खूबसूरत हो गया है और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार है ये। तो हम गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और करते हैं इसे डिश आउट। ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हमारा रसफीस का हलवा बनके तैयार हो गया है। देखा आपने
कितनी जल्दी से बन गया है, बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप ज़रूर से बनाइएगा। ये मैंने ऊपर से थोड़े से बारीक कटे हुए काजू डाले हैं, बादाम डाले हैं, आपको पसंद है तो ज़रूर से डालिएगा, ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।